पैसा जिन्हें ये मित्र कहते हैं श्री लालू प्रसाद जी से बात करिए, भाषा का प्रयोग कर रहे हैं आप ऐसा कहां से देंगे तेजस्वी शिक्षकों को वेतन, कहां से लाएंगे पैसा, जाली नोट लेकर आएंगे, अभी जेल से नोट भेजेंगे। कुछ बातें कहना चाहता हूं, ये सारी बातें ऑन रिकॉर्ड है, यह हमारी कोई बातें नहीं है। जो महागठबंधन जिन कारणों से आज सब एक गठबंधन के नीचे सरकार बनाए हैं, उन्होंने कब कब किनको क्या क्या कहा था उसकी एक वानगी हम आपको बताना चाहते हैं। महोदय माननीय मुख्यमंत्री जी को याद कराना चाहते हैं कि जब आप याद कीजिए अपने पुराने दिनों को, जब जनता पार्टी से लेकर लोकदल, जनता दल, समता पार्टी का जो यह आपका लंबा सफर तय हुआ, आपने कितनों को राजनीतिक बलि दी है। याद करें महोदय, जॉर्ज फर्नांडिस एवं शरद जी को भी इन्होंने बलि देने का काम किया है। महोदय जिन्हें ये मित्र कहते हैं श्री लालू प्रसाद जी से बात करिए, भाषा का प्रयोग कर रहे हैं आप ऐसा परंतु दादा पिस्तौलों में रहने की आवश्यकता नहीं है। महोदय बोलो बोलो, आप जिनके साथ नाता तोड़े हैं उसने आपको भी ठगा है तेजस्वी जी। महोदय तेजस्वी जी आप याद करें, आपने इसी सदन में कहा था ऐसा कोई सगा नहीं जिसको नीतीश कुमार ने ठगा नहीं। हमारे माननीय नेता श्री लालू प्रसाद जी ने, जो इनके पिताजी हैं, उन्होंने भी कहा था कि श्री नीतीश कुमार जी राजनीतिक पलटू राम है। और एक विशेषण में कहा भी गया था कि ये कुर्सी कुमार है। ये बातें महोदय मेरी कही हुई नहीं है। आज जो दोनों दल जिस प्रकार से अपने स्वार्थ के चलते आज एक साथ बैठे हैं, उन्होंने ही एक दूसरे के बारे में ये सारी टिप्पणियां की है। बिहार की जनता समझ रही है। महोदय तेजस्वी जी आपको हम एक बात याद दिलाना चाहते हैं, जब उस समय शिक्षक और छात्र आंदोलन कर रहे थे, सरकार से आपने अस्थाई शिक्षक नियुक्ति की मांग की थी और उसके प्रत्युत्तर में माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो कहा था वो रिकॉर्डेड है, सिर्फ उसकी पंक्तियों को हम कहना चाहते हैं। कहां से देंगे तेजस्वी शिक्षकों को वेतन, कहां से लाएंगे पैसा, जाली नोट लेकर आएंगे, अभी जेल से नोट भेजेंगे या घोटाले का जो पैसा रखे हैं उसको लाकर देंगे, कहां से देंगे वेतन के लिए पैसा। ये आपने जो घोटाला शब्द का प्रयोग किया, जाली नोट का प्रयोग किया, जेल से नोट लाने की जो बात कही, आखिर किस संदर्भ में कही माननीय मुख्यमंत्री? तेजस्वी जी आपको हम एक बात याद दिलाना चाहते हैं, जब उस समय शिक्षक और छात्र आंदोलन कर रहे थे, सरकार से आपने अस्थाई शिक्षक नियुक्ति की मांग की थी और उसके प्रत्युत्तर में माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो कहा था वो रिकॉर्डेड है, सिर्फ उसकी पंक्तियों को हम कहना चाहते हैं। कहां से देंगे तेजस्वी शिक्षकों को वेतन, कहां से लाएंगे पैसा, जाली नोट लेकर आएंगे, अभी जेल से नोट भेजेंगे या घोटाले का जो पैसा रखे हैं उसको लाकर देंगे, कहां से देंगे वेतन के लिए पैसा। ये आपने जो घोटाला शब्द का प्रयोग किया, जाली नोट का प्रयोग किया, जेल से नोट लाने की जो बात कही, आखिर किस संदर्भ में कही माननीय मुख्यमंत्री जी? इतना ही नहीं माननीय मुख्यमंत्री जी, आपकी राजनीतिक विश्वसनीयता बिहार में समाप्त हो चुकी। श्री लालू प्रसाद जी ने आपको पलटू राम कहा, किसंज्ञा दी,
अब ये पूरे बिहार की जनता बोल रही है, बिहार का बच्चा बच्चा बोल रहा है जो थोड़ा भी राजनीतिक सूझ रखता है। महोदय, आप ऐसे नेतृत्व करता जिस पर एनडीए ने भरोसा किया था, आज पूरा बिहार आप पर शर्मसार हो रहा है। महोदय महोदय तेजस्वी जी आज यहां बैठे हैं, अपने चाचा जी के बारे में एबीपी चैनल को उन्होंने एक बार कहा था, उसकी पंक्तियों को दोहराना चाहता हूं, वकील लाइए, एफिडेविट करवा लीजिए, नीतीश जी के साथ कभी नहीं जाऊंगा, उनकी क्रेडिबिलिटी समाप्त हो गई है, ये अचानक क्रेडिबिलिटी इनकी फिर वापस भी हो गई है, इसलिए इनके साथ हो गए हैं। महोदय, एक अन्य चैनल में भी इन्होंने कहा था कि जो व्यक्ति को सिर्फ कुर्सी से प्यार हो उसकी क्या गारंटी है, नीतीश जी वापस आ जाएं और फिर से वापस नहीं चले जाएं, ऐसे लोगों को फिर से मौका देना तो सबसे बड़ी मूर्ख की तरह होगा, ये श्री तेजस्वी यादव जी ने श्री नीतीश कुमार जी के बारे में कहा है। महोदय, माननीय नेता श्री लालू प्रसाद जी ने भी इनके बारे में टिप्पणी की कि नीतीश जी के पेट में दांत है, और इतना ही नहीं, राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी, श्री ललन जी ने भी कहा कि श्री नीतीश कुमार जी के अतरी में दांत है। ये मैं नहीं कहा महोदय, ये आप ही लोग कह रहे हैं महोदय। और उन्होंने श्री लालू प्रसाद जी ने एक बात और कहा कि जब जब बीमारी का ये बहाना बनाते हैं, जब जब ये बीमारी का बहाना बनाते हैं, तो नीतीश कुमार तो समझ लो कि पलटनी मारने की तैयारी चल रही है। महोदय, पूर्व मुख्यमंत्री सम्माननीय श्रीमती राबड़ी देवी जी ने भी लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।